नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे कर्मचारी सकता है और यहाँ पर आज उनकी एग्जाम के कारण सुबह और जब मैं 8 बजे गया तो 54 पदाधिकारी मेरे साथ थे। 54 दिया में सोच इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब अपनी मां जोरदार नारे के साथ अपना एकता का परिचय दीजिए कर्मचारी। आज की तारीख में अगर हम लोग ही इन मामलों आपके घर में बच्चे हैं उनको देखिए आगे की आपकी क्या दशा होगी और जो बच्चा आपका पढ़ रहा होगा क्या आप उसे सारी सुविधा। मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी लेकिन मेरे अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कहीं ना कहीं काम तो सभी करते हैं लेकिन मुख्य 14 में 15 में तक मैं नहीं चाहे तो मत स्वीकार करिएगा। देखिए हमारी जो मोटिवेशनल टीम है वो बहुत काम कर रही है और इनके सहयोग से मैं संगम पे गया था। देखा था कि घाटों पे इधर उधर लोग नहा रहे हैं, ऐसे मुझे आभास हो रहा है। आप लोग कृपा कर फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि धरना हम लोगों का स्मारक समिति का चल ही रहा है, साथ में जो है रोडवेज कर्मचारियों का भी धरना चल रहा है। देख सकते हैं आप पेट्रोल पंप में कितनी भीड़ है। आलमबाग पेट्रोल पंप और भी पेट्रोल पंपों में बहुत ज्यादा भीड़ है। फ्रेंड्स, आज तक धरने का 13 वर्षों में सिर्फ कर्मचारियों को डराया गया है, पूरी होंगी, तोड़ा गया है, जो भी लालच दिया गया है में आपको दिखाते रहेंगे। वेतन रोक कर उनका शोषण किया गया है, सस्पेंड करके मानसिक। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। अभी ठेस पहुंचाई गई है, अभी तक का जो भी नोएडा बॉर्डर को ट्रांसफर करके आज आप देख रहे होंगे उनको मन से तोड़ा गया है। लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। मिलते तो इस मंच पे आ जाए मेरे साथी। थैंक्स।